Hello guys, you are watching India Now. Subscribe our channel and press the notification bell for the latest news update. So guys, आज हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बारे में, क्योंकि IPL सीजन 12 के लिए दोनों ही टीम फेवरेट्स थी, मुंबई इंडियंस और साथ ही साथ रॉयल चैलेंजर बैंगलोर. रॉयल चैलेंजर बैंगलोर इस वजह से क्योंकि विराट कोहली इस टीम के कप्तान हैं, एबी डिविलियर्स जैसे, हेटमेयर जैसे बहुत ही अच्छे उम्दा प्लेयर हैं इस टीम के अंदर. अब मैच होना था बेंगलोर के अंदर मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, दोनों का ही दूसरा मैच था और दोनों के लिए जीतने के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत थी अगर ये मैच दोनों जीत जाते. लेकिन आपको बता दें, बेंगलोर के अंदर जब मैच हुआ, सबसे पहले टीम खेलने आई मुंबई इंडियंस, बल्लेबाजी सबसे पहले करने आई मुंबई इंडियंस. मुंबई इंडियंस ने अच्छा स्कोर किया, ओपनिंग रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छी दे दी थी उन्हें, बहुत अच्छी क्लास के साथ उन्होंने बैटिंग करके दिखाई. साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मैच के दौरान युवराज सिंह ने लगातार 3 छक्के मारकर दिखा दिया कि आज भी उनमें बल्लेबाजी का दम है, और विंटेज युवराज सिंह याद दिला देते, लगातार 3 छक्के और 4th छक्का मारते हुए वह आउट हो गए थे. युजवेंद्र चहल ने उन्हें आउट किया. युजवेंद्र चहल ने आज बॉलिंग के दौरान बेंगलोर को 4 विकेट दिलाई, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया. लेकिन साथ ही साथ अंत के अंदर हार्दिक पांड्या ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस करके टीम का स्कोर 180 के पार पहुंचा दिया. लेकिन अभी तक बात खत्म नहीं हुई थी. रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जब बल्लेबाजी करना है तो एबी डिविलियर्स वर्सेस विराट कोहली, यानी कि दोनों के दोनों बहुत ही अच्छा खेले. RCB से बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और सभी को उम्मीदें इन्हीं दोनों बैट्समैन से रहती हैं, तो इन्हीं दोनों बैट्समैन ने आज स्कोर किया 40 के पार. विराट कोहली ने स्कोर किया, लेकिन अंत तक एबी डिविलियर्स खेले. मैच के दौरान सबसे दिलचस्प बात ये थी कि आखिरी ओवर तक ये मैच पहुंचा. मलिंगा आखिरी ओवर डाल रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर के दौरान एक सनसनीखेज घटना घटी. सनसनीखेज घटना क्या थी, आपको बता दें कि सबसे पहले तो लसित मलिंगा आखिरी ओवर के अंदर जब बॉलिंग करने आए थे तो उन्होंने कम स्कोर दिए, लेकिन आखिरी बॉल जो थी उनको आखिरी बॉल पे 7 रन बनाने थे, छक्का मारते ही ड्रॉ मैच हो जाता. लेकिन जब लसित मलिंगा ने बॉल की, चौका मार नहीं पाए वो बल्लेबाज, लेकिन वो बॉल नो बॉल थी. ये मैच जीतने के बाद पता चला, लेकिन अंपायर की सबसे बड़ी सनसनीखेज घटना ये रही कि अंपायर ने उस बॉल को नो बॉल नहीं दिया. लेकिन बाद में दिखाया गया स्क्रीन के ऊपर कि यह बॉल नो बॉल थी और मलिंगा को दोबारा ओवर करना था. और साथ ही साथ आपको बता दें, अगर यह नो बॉल हो जाती तो वहाँ पर स्ट्राइक पे एबी डिविलियर्स होते, और एबी डिविलियर्स ने शुरुआत से ही बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके पूरी RCB को जीत तक मतलब बिल्कुल जीत के करीब पहुंचा दिया था. और वह मैच जीत भी जाते, नो बॉल के बाद उनको फ्री हिट मिलती, 1 रन का उनका पहले से ही उनको जुड़ जाता नो बॉल का. तो ये मैच बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने वाला था. मुंबई इंडियंस के जो फैंस थे उनको बहुत ही खुशी हो रही है. लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, RCB यानी बेंगलोर के अंदर मैच था, इसको क्या कहेंगे, विराट कोहली की किस्मत या फिर मुंबई इंडियंस बहुत ही ज़्यादा लक्की है. आपको बता दें कि यह मैच पूरी तरह अगर लास्ट बॉल नो बॉल होती तो लग रहा था कहीं ना कहीं हद तक एबी डिविलियर्स जिस तरीके की पारी खेल रहे थे, ये मैच RCB के खाते में ही जाना था. लेकिन मुंबई इंडियंस को इस मैच में जीत मिल गई. रोहित शर्मा बहुत खुश हुए, विकेट्स भी उठा लिया गया था. और जब बॉल डेड हो जाती है, बिल्कुल डेड हो जाती है, तो वहाँ पर अंपायर्स या थर्ड अंपायर भी आकर नहीं कह सकता कि दोबारा से बॉल दिखाई जाए. ये फील्ड जो कि ग्राउंड में अंपायर रहते हैं, फील्ड पे अंपायर रहते हैं, उन्हीं को फैसला लेना चाहिए था, पर देखना चाहिए था. कहीं ना कहीं कमी हुई है, बहुत ही बड़ा ब्लंडर कहेंगे इसे, कि मुंबई इंडियंस जीत तो गई है लेकिन वो अंपायर की वजह से, नो बॉल की वजह से. खुश बहुत है मुंबई इंडियंस के फैंस, लेकिन RCB जितने भी फैंस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है. अब आपकी क्या राय है, क्या इसमें चेंजेस होने चाहिए? अगर इस तरीके की नो बॉल दी जाती है तो क्या दोबारा से फैसला लिया जाना चाहिए? अगर बॉल डेड हो जाती है, अगर देखा जाता है, तो थर्ड अंपायर, ऐसा कुछ रूल होना चाहिए. लास्ट मैच में भी पहले भी ऐसा नहीं हुआ है. अश्विन ने भी जिस तरीके से आउट किया था तो उस पर भी सनसनीखेज तरीके से बातें उठी थी. लेकिन इसके ऊपर पूरा मैच टिका हुआ था. मैच पूरा जीत लिया मुंबई इंडियंस ने. ये बहुत बड़ी बात कही जाएगी कि मुंबई इंडियंस ने इस सनसनीखेज तरीके से, मुंबई इंडियंस की इसमें कोई गलती नहीं, अंपायर्स की गलती है कि इस तरीके से BCCI के अंपायर्स हैं ये. BCCI को एक इस तरीके के अंपायर्स बनाने चाहिए जो अच्छा कर सकें. इस इनिंग के अंदर, इस पूरे मैच के दौरान देखा गया, इससे पहले भी एक डिसीजन लिया गया था जो वाइड दे दी थी, बुमराह की बॉल जो वाइड नहीं थी वो वाइड दे दी गई थी. तो एक फेवर बुमराह, एक फेवर RCB के फेवर में हुआ, एक मुंबई इंडियंस के. लेकिन फिर भी अगर आखिरी बॉल का देखा जाए, मलिंगा ने वो नो बॉल डाली थी, फिर भी उस बॉल को वैध करार दिया गया और वह मैच मुंबई इंडियंस जीत गई.
बहुत बड़ी घटना है। अगर आपका क्या रिव्यू है इस पर, क्या फैसला लिया जाना चाहिए, क्या आप इससे खुश हैं या नहीं हैं, आप किस टीम के फैन हैं, और फैन भी हो या ये डिसीजन सही था या नहीं था, आप अपना कमेंट, अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए, हमारे चैनल इंडियन नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो गाइज, यू आर वॉचिंग इंडियन।